ऐसे तो खैर सारी की सारी स्वेटर्स लग रही है, मैंने आपके लिए ऐसे पिक की है सारी की सारी स्वेटर्स की कोई भी ये देखे तो सबसे पहले नजर आपकी स्वेटर पर जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैंने ऑर्डर किया मिंट्रा से कुछ स्वेटर्स और प्राइस मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि 500 से 600 तक की सारी स्वेटर्स है। मैंने चूज कर करके सिलेक्टिव अच्छे अच्छे पीसेस उठाए जो कि अफोर्डेबल भी हो और एस्थेटिक भी लगे, ट्रेंडी भी हो, और सारे के सारे प्राइस मैंने आपको बता दी कि 500 से 600 तक है। लेकिन क्या है मिंट्रा का तो आपको पता ही है कि जो प्राइस रहते हैं वो ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो हो सकता है कि राउंड फिगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो इसलिए मैं अभी आपको एक्यूरेट प्राइस नहीं बता रही हूँ। मैं सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बाकी सारी स्वेटर्स अफोर्डेबल है, तो एक एक करके पूरी स्वेटर्स देखते हैं। पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ऑरेंज वाली, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है। दिखने में तो बहुत ही सिंपल लग रही थी ऐप में, मगर जब मेरे पास आई तो ये जितनी अच्छी ऐप में लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो ये अच्छी चीज़ इसकी लगी, इसकी सिंप्लिसिटी, इतनी सिंपल है ये, इतनी डिसेंट लग रही मुझे। और ये इसकी जो से बुनाई कहेंगे ना, इसकी स्लीव्स में इस टाइप की बुनाई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी तो ये पूरी सिंपल है, हाई नेक है, और इसकी स्लीव्स में थोड़ा इस तरह का डिज़ाइन है। और ये पहनने पे कैसी लग रही है आप इसे देख सकती हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर, ये वाइट पैंट के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मुझे तो इससे इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बहुत ही सही आई है। इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये दिख कैसी रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसे ब्लैक या वाइट कलर के कोई भी वाइट लग या ट्राउज़र के साथ पहनेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्वेटर पर। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये स्वेटर वेस्ट, ये बेज और वाइट कलर की। इसका जो प्राइस है वो मुझे याद है, मैंने जब लिया था तो 571 का था, अभी कितना है आप चेक कर सकते हैं ऐप में। और इसका प्राइस जब मैंने लिया था वो था 600 रुपीज़। तो ये स्वेटर वेस्ट है जो ये थोड़ी सी ओवर साइज है, बैगी सी है, आप देख सकते हैं कैसी लग रही है। तो मैंने इससे अंदर इसके इनर पहना हुआ है वाइट कलर का। बाकी फैब्रिक और क्वालिटी वाइज मैं कहूँगी सब कुछ परफेक्ट है इसका। और ये बहुत ही मुझे पिंटरेस्टी वाइब दे रही थी, बहुत एस्थेटिक लग रही थी, इसलिए मैंने इसे भी पिक किया। और इसकी स्लीव्स भी ऐसी ओवर साइज है, यहाँ से जाकर के ऐसे थोड़ी सी नीचे गिर जाएंगी, ऐसे पूरा फिट नहीं आएगी। और ये दिख कैसे रही है आप देख सकते हैं। अब मूव करती हूँ मैं नेक्स्ट स्वेटर पर। अब मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट स्वेटर पे। तो ये है वाइट कलर की स्वेटर्स जिसमें रेड कलर की इस टाइप की प्रिंट दी हुई है, ये सिर्फ आगे दी हुई है, इसमें पीछे इस तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं है। इसकी स्लीव्स में है थोड़ा डिज़ाइन, बट इसका जो मटेरियल है ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है। सबसे अच्छा मटेरियल तो इसका है, ये बहुत ही वार्म है गाइज, और इसकी क्वालिटी बढ़िया है, इसकी बुनाई मुझे बहुत परफेक्ट लगी। और अब अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे ज़्यादा कॉस्टली है, मगर जो इसका फैब्रिक है मैं कहूँगी कि मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि अगर हम इसे एक बार पहन के इसे वॉश करेंगे ना तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा। तो ये ओके ओके है, बाकी इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब कम ठंड हो या तो आपको सिर्फ इसे इसकी प्रिंट अच्छी लग रही है तो आप इसे कैरी कर सकते हो, मगर बहुत ठंड में पहनने लायक नहीं है ये गाइस। मगर इसकी प्रिंट काफ़ी एस्थेटिक थी, कलर बहुत अच्छा था, और क्रिसमस में तो ये बहुत अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैंने ले लिया ये वाली। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मेरे पास है ये पिंक कलर की पिंक कलर की स्वेटर, कार्डिगन का है। एक सेकंड गाइस मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। इसके ना यहाँ पर तो ये इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, इस यहाँ पर ऐसी ये बटन्स दी हुई है, ये खुल भी सकती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शो के लिए दी, आप इसे खोल भी सकते हैं इस तरह। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये पहनने में कैसी लग रही है। और इसका जो मटेरियल है थोड़ा सा फरी सा है, आप पास से आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, पूरी स्वेटर्स के मटेरियल उनके टाइप्स अलग अलग हैं, तो इसलिए मैं आपको जूम कर करके अच्छे से दिखा रही हूँ। इसका मटेरियल जैसे कि फरी है मैंने आपको बताया, इसका मटेरियल थोड़ा सा पतला है, ये आप देख सकते हैं कितना फर्क दिख रहा है। और इसका मटेरियल थोड़ा सा थिक है, और जैसे घर की बनी हैंडमेड स्वेटर्स होती है ना, ये उस टाइप की है। और बाकी ये फिटेड स्वेटर है, इसमें कॉलर दी गई है। ये पहनने पे कैसी दिख रही है आप देख सकते हैं, मैंने इसे वाइट कलर के पैंट के साथ स्टाइल किया हुआ है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट परचेस पर।
तो मेरे पास नेक्स्ट है ये स्वेटर, और ये भी ऑरेंज कलर की, मगर इससे थोड़ा सा अलग शेड है इसका, और इसमें यहाँ पर कुछ स्लोगन लिखा हुआ है, फॉरएवर गॉर्जियस। और इसकी स्लीव्स मुझे बहुत छोटी हो रही है, एक्चुअली शायद इसकी 1/3 ही स्लीव्स है इसकी, तो गाइज ये पूरी फुल नहीं हो रही है, मुझे 1/3 हो रही है। जो मेरा साइज़ है इसमें, मैंने साइज स्मॉल ऑर्डर किया है, मेरा जो साइज़ रहता है स्वेटर्स और टॉप में वो रहता है साइज़ एस। तो सारी स्वेटर्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो स्मॉल साइज़ की ही है। अगर आपको इसमें स्लीव्स बड़ी चाहिए तो ये एक्चुअली ये 400 की थी, ये वाली ये 400 की थी, बाकी सारी 5-6 के रेंज की आप देख सकते हैं। और इसकी जो स्लीव्स है ये थोड़ी सी मुझे छोटी हो रही है, बाकी जो इसका फैब्रिक है ओके ओके फैब्रिक है। प्राइस वाइज अगर मैं कहूँ तो अच्छी लग रही है, इसे कैरी करने में काफ़ी स्टाइलिश लगेगी, ये ऐसे लगेगी कि सबसे पहले आपकी स्वेटर पर नज़र जाएगी अगर आप इसे पहनेंगे तो, ऐसे तो ये लग रही है। ऐसे तो खैर सारी की सारी स्वेटर्स लग रही है, मैंने आपके लिए ऐसे पिक की है सारी की सारी स्वेटर्स की, कोई भी ये देखे तो सबसे पहले नज़र आपकी स्वेटर पर जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मैं लेकर के आऊँगी दूसरा हॉल वीडियो, अब वो स्वेटर हॉल होता है या जीन्स हॉल होता है अभी वो मैंने डिसाइड नहीं किया है। भाई आप लोगों को कौन सा हॉल चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जैसे कि मैं वही हॉल वीडियो लेकर के आऊँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।